शिवगिरी राज्य में राजा विक्रमादित्य का राजपाट चलता था। दरबारियों ने राजा के मन में यह बात बैठा दी कि ऋषि मुनि तो पाखंडी होते हैं, कोई काम किए बिना भिक्षा मांगते हैं, खाते पीते हैं और मौज मनाते हैं। मुझे दरबारियों की बातों में दम लग रहा है। सारे ऋषि मुनि पाखंडी होते हैं और वो बिना मेहनत करे लोगों से आराम का खाते हैं। राजा ने पूरे राज्य में डुगडुगी पिटवा दी कि जो सच्चा ऋषि मुनि हो केवल वही उनके राज्य में रह सकता है, जो सच्चा ऋषि मुनि नहीं है उसे संन्यास छोड़कर विवाह करना पड़ेगा। अगर कोई सच्चा ऋषि मुनि है तो उसे राजा के 3 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। जो सही जवाब देगा उसे ही इस राज्य का सच्चा ऋषि माना जाएगा। और मेरे सवाल ये है कि ऋषि और गृहस्थ कैसा होना चाहिए, तथा ऋषि मुनि बनना ठीक है या गृहस्थ? राज दरबार में अनेक ऋषि मुनि आए लेकिन किसी ने राजा के प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दिया। राजा ने उनको गृहस्थ बना दिया। एक दिन प्रातः काल ही एक सिद्ध मुनि राजमहल के द्वार पर पहुंचा। द्वारपाल उसे राजा के पास ले गया। राजा ने उसके आगे भी अपने सवाल बखान किए। हे राजन, इन सवालों के जवाब मैं आपको 1 महीने बाद दूंगा। राजा ने मुनि की बात मान ली। एक महीने बाद सिद्ध मुनि राजा के पास गया और बोला, राजन आपको अगर 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आपको मेरे साथ चलना होगा। राजा मुनि की बात मान लेता है और उनके साथ चल देता है। चलते चलते उन्होंने कई दिन बाद राज्य की सीमा पार की। चलते चलते दोनों दूसरे राज्य में पहुंच गए थे। राजन, हम लोग जिस राज्य में चल रहे हैं ना, इस राज्य की राजकुमारी का आज विवाह है। चलो हम उस विवाह को देखकर आगे बढ़ते हैं। राजकुमारी मंडप में जयमाला लेकर आई और उसने उस सिद्ध मुनि के गले में डाल दिया। अरे भाई, राजकुमारी ने ये क्या कर दिया? वो मुनि है, सन्यासी है, लगता है राजकुमारी ने गलती से माला डाल दी है। मुनि ने वो जयमाला निकालकर राजकुमारी को दे दी। चारों तरफ घूमकर राजकुमारी ने जयमाला दूसरी बार भी उस सिद्ध मुनि के गले में डाल दी और ऐसा ही तीसरी बार हुआ। आखिर स्वयंवर में उपस्थित राजकुमारों ने कहा कि अब राजकुमारी का विवाह इस मुनि के साथ ही होगा। स्वयंवर का निर्णय सुनकर मुनि वहां से जल्दी चला गया। राजकुमारी भी उस सिद्ध मुनि का पीछा करने लगी। अब आगे आगे मुनि, उसके पीछे राजकुमारी और अंत में राजा विक्रमादित्य। चलते चलते मुनि और राजा एक घने जंगल में पहुंच गए थे। कुछ दूर और पीछा करने के बाद राजकुमारी आगे न जा सकी। शीत ऋतु थी, धीरे धीरे ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ रही थी। आगे जाने का उचित समय ना समझकर राजा और मुनि एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक चिड़ा और एक चिड़िया रहती थी। वे भी पुनर्जन्म में गृहस्थ थे। चिड़िया रानी, द्वार पर 2 अतिथि आए हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। और आज तो ठंड भी काफी ज्यादा है, इन्हें सर्दी से बचाने का कुछ उपाय करते हैं। चिड़िया ने पेड़ से सूखी लकड़ियां गिरानी शुरू कर दी थी। चिड़े ने भी आग की व्यवस्था कर दी थी। मुनि ने लकड़ियां इकट्ठी करके आग जला ली थी और भोजन के लिए उस पेड़ से गिरे हुए कुछ फल इकट्ठा कर लिए थे। अब राजा मांसाहारी था। चिड़िया रानी, मुझे लगता है राजा को फल खाना अच्छा नहीं लगता है। हमारा धर्म है कि मेहमान को हम भूखा नहीं रखते हैं, इसलिए मैं राजा का खाना बनने जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर चिड़ा आग में गिर पड़ा। मुनि ने तो फल खाकर अपना पेट भर लिया था लेकिन राजा अभी भी भूखा था। तब चिड़िया भी उसी अग्नि में जाकर गिर जाती है। चिड़िया को खाकर राजा के पेट की भूख शांत हो गई। दोनों पेट पूजा करके उसी वृक्ष के नीचे सो गए। अगली सुबह राजा और वो सिद्ध मुनि अपनी यात्रा के लिए वहां से निकल गए थे। चलते चलते वो उस राज्य के नगर के पास आ गए थे। तभी उन्हें रास्ते में उस राज्य का राजा अजीत सिंह मिल जाता है।
जो जंगल में शिकार करके वापस अपने महल लौट रहा था। विक्रमादित्य और अजीत सिंह एक दूसरे के नजदीकी मित्र थे। मेरे मित्र, आज तुम हमारे राज्य में, अगर कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। मेरे नहीं मित्र, हम तो बस ऐसे ही प्रजा का हालचाल जानने निकले थे, फिर सोचा तुमसे मिलकर चले, लेकिन तुम तो हमें रास्ते में ही मिल गए। अरे चलो मित्र, हमारे महल की ओर चलते हैं। नहीं मित्र, हम अभी आपके महल नहीं आ सकते हैं। तुम जाओ, हम कभी तुम्हारे लिए भेंट लेकर तुम्हारे राज दरबार आएंगे। ऐसा सुनकर राजा अजीत सिंह अपने महल की ओर निकल जाता है। हे मुनिराज, आपने अभी तक मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है, बस मुझे इधर से उधर चक्कर कटवा रहे हो। राजन, आप पहले प्रश्न के उत्तर ढूंढ चुके हो। मैं समझा नहीं मामुनि, आप कहना क्या चाहते हो? हे मूर्ख राजा, मेरे बर्ताव को देखकर तुम्हें नहीं लगा कि एक ऋषि मुनि कैसा होना चाहिए? गरज चिड़ा और चिड़िया जैसा हो, जो अतिथि के लिए खुद भोजन बन गए। इसीलिए सच्चा ऋषि मुनि हमेशा त्यागी होता है। लेकिन मामुनि जी, ये मेरे एक प्रश्न का उत्तर हुआ, बाकी दो प्रश्नों के उत्तर आपने नहीं दिया है। हे राजन, आपके पहले प्रश्न के उत्तर में ही दोनों प्रश्न के उत्तर छुपे हुए हैं। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, गृहस्थ को भी हमेशा त्यागी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो त्याग नहीं करेगा तो उसका जीवन व्यर्थ है। और रही मुनि और गृहस्थ बनने की बात, तो ये अपनी अपनी पसंद है, जो जैसा बनना चाहे। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। महामुनि जी, मेरे तीनों सवालों का उत्तर मुझे बखूबी मिल गया है, आप मेरे साथ राजमहल प्रस्थान करें। ऐसा बोलकर राजा विक्रमादित्य और मुनि महल की ओर निकल जाते हैं। राजा विक्रमादित्य राजदरबार में सभी को बोल दिया था कि आज से कोई भी ऋषि मुनि को पाखंडी नहीं बोलेगा और हमेशा ऋषि मुनियों का आदर करेगा। अगर राजा का आदेश किसी ने तोड़ने की कोशिश की तो उसे कारावास में डाल दिया जाएगा।